मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मर्द और मोमिन औरत की जान, औलाद और माल में आजमाइशें आती रहती हैं जिनसे इसके गुनाह माफ़ होते रहते हैं, यहाँ तक कि जब वो मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात करते हैं तो इन पर कोई गुनाह नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जवान जिसकी जवानी इबादत इलाही में गुजरे उसे अल्लाह ताला रोज़ महशर अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम सबर करते करते अल्लाह के इतने करीब हो जाओगे कि अभी दुआ दिल में ही होगी और अल्लाह कुन फरमा देगा। माल की ज़कात निकालते रहो क्योंकि जब बागबान या अंगूर की बेकार शाखें तराशता है तो इस पर ज़्यादा अंगूर आता है। कमज़ोर पर जोर करना बहादुरी नहीं, क्योंकि जो परिंदा चींटी से दाना छीने वो कमीना होता है। लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करें, लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर खरीदते हैं और बाद में नमक लगा लगा कर खाते हैं। जिन्होंने आपके साथ चलना होता है वो कभी भी छोड़कर नहीं जाते, बेशक उनके पास आपको छोड़ने की हज़ारों वजूहात हों लेकिन वो साथ रहने की एक वजह ढूंढ ही लेते हैं। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। जब सहने वाले को सब्र आ जाए तो दुख देने वालों की औकात दो कौड़ी के रह जाती है।